अल्लाह से रुजू करने में कोई हिचकिचाहट ना करो। उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। अल्लाह हर दुआ बहुत गौर से सुनता है, कुछ पे जल्दी कुन फरमा देता है और कुछ अपने पास बहुत संभाल के रखता है। और जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले करके खुद बेफिक्र हो जाना। यकीन करती हो अल्लाह पर, उससे बढ़कर है ही क्या, उससे आगे है ही क्या। वो यकीन देने वाला है, वो यकीन देकर उसकी हिफाजत भी करेगा। जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए, उससे बढ़कर पुरसुकून और कोई चीज़ नहीं। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है। दुआ वो ताकत रखती है कि जो आपके नसीब में नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी, तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला नहीं। और दुआ तो तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फ़ैसला कुन के मराहिल में दाखिल हो चुका हो। अल्लाह तो कातिब तकदीर है, वो मिटाकर नए सिरे से तकदीर लिख भी सकता है। वो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जैसे चाहे अंजाम को बदल सकता है। जो खुदा रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशी देगा। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो, तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। यकीन और तड़प हो तो अल्लाह ताला को सात आसमानों पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। खुदा पे भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो? यकीन रखो, वो आपको लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है। और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकालीफ की फिक्र मत करना। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह से हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा अल्लाह रास्ता बनाएगा। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है, इंशाल्लाह कल वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी बन जाएगा। बस तुम अपने अल्लाह पर यकीन रखो। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। मुझे बस यही यकीन रोने नहीं देता, मेरा नसीब लिखने वाली ज़ात मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। और अनकरीब तुम्हारी दुआओं के सिले हैं, और अनकरीब नामुमकिन से मुमकिन के मौजज़े हैं। ये आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी हर वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से लेकर जाएगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें
अल्लाह से ही वाबस्ता है ना, तो बस यकीन रखो वो तुम्हारी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारी एक पुकार पर थाम लेगा वो तुम्हें। वादा है अल्लाह का कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। थोड़ा सब्र कीजिए, वो अल्लाह जल्द आपकी चाह आपके नसीब में लिख देगा। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी मनपसंद चीज़ सिर्फ आजमाइश के लिए तुमसे दूर की हो और इस इंतज़ार के बाद तुम्हारा मांगा हुआ ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा हो। यकीन रखो जब दुआ कबूलियत में वक्त लेती है ना, तो कबूल होने पर वक्त ही बदल देती है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। आपका मुसलसल दुआएं मांगना आपका मुकद्दर बदल देता है।